पूरा हम तो उतना पढ़े लिखे नहीं है, तो मान लीजिए हिंदी बोलने में गड़बड़ा जाते हैं, पहले देख लीजिए इनके बैठने की सभ्यता नहीं है, कह रहे हैं कि मददगार से देखिए बड़ा बताइए। विश्वास जहाँ होता है तो धोखा भी वहाँ ही लोग पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इस गांव से जा रहा था तभी हमको एक बाबा दिखाई दिए इस गांव में, ये बाबा थे, तो बाबा से कुछ ऐसी ऐसी बातचीत हुई जो कि हमको बहुत अच्छा लगा और हमको समझ में आया कि आप लोगों को वो बात आप तक दिखानी चाहिए थी, लेकिन उस समय हमारा वीडियो कैमरा ऑन नहीं था और साथ में हमारे चाचा जी भी साथ में थे। तो चलिए एक बार फिर से उनसे वो सारी बातें पूछते हैं जैसे उससे ये बातें आप लोग तक पहुँच सकें। तो क्या क्या बातें थी ये हमारे चाचा जी बाबा से पूछेंगे? तो देखिए लड़का, हम लोग कुछ गाँव से आगे, मान लीजिए पूरा हम तो उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मान लीजिए हिंदी बोलने में गड़बड़ा जाते हैं, तो इसलिए भोजपुरी में अपन तो बाबा से आगे जब बढ़ ली जा आगे तो बच्चों से हम फिर पूछे कि बच्चा तुम लोग कहाँ से आए हो, क्या बात है किस लिए हमारे पाछे पड़े हो। तो इसी तरह से बच्चा कहे कि हम लोग देखे पढ़ने लिखने वाले अंकल जी लड़का हैं, इसी तरह से देहात जवार में आ गए हैं कि भाई थोड़ा देहात जवार का बच्चों से पुरान और नौजवानों से कुछ राय मशविरा ले जाएगा कि भोजपुरी का भाषा का क्या आनंदी है। तो इसी को आगे बढ़ते बढ़ते चले, इसी में हमारे नाता में बाबा लग रहे हैं, तो बाबा से पूछे कि ये पहले देख लीजिए इनके बैठने की सभ्यता नहीं है, ये कह रहे हैं कि मदद गांव से देखिए भला बताइए। अरे मतलब कुछ लोग देखिए बैठ कैसे बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं पहले देखिए, अब उसके बाद करें। अरे कर भलाई तो हो, भलाई आप करिएगा, भलाई आप करिएगा तो आपका, अरे व्यक्ति नहीं करेगा, व्यक्ति नहीं करेगा तो भगवान करेंगे, इसको हमारा गारंटी है। विश्वास जहाँ होता है तो धोखा भी वहाँ ही रोक पाते हैं। जी सही बात हाँ देखिए करते हैं मोहब्बत, इनसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। तो विश्वास करना उचित है, मगर उनको परखना भी उतना ही उचित है जितना कि विश्वास करने के पहले उनको परखना भी जरूरी है। और जो यंग लड़के हैं उनका कॉन्फिडेंस सिर्फ जो चीज़ में पढ़ाई में अगर पढ़ रहे हैं तो उनका पढ़ाई ही सबसे बड़ा कर्म है, न कहने था दूसरा कर्म है, उनको उसमें लय होना पड़ेगा। हाँ उनको दूसरे से कोई मतलब नहीं, हमको ये चीज़ करना है तो करना है, अरे निश्चय है कि जो करेगा वो पाएगा। लोग कहते हैं कि हमको सर्विस नहीं मिला, अरे सर्विस क्यों नहीं मिलेगा भाई, हम करने में असमर्थ हुए तो हमको नहीं मिला, जब हम करने में सक्षम है तो हमको सर्विस मिलेगा। इसलिए आज कल के नौजवानों से यही अपील है कि वो कर्म करें और कर्म पर पूर्ण विश्वास रखें, उनको सफलता मिलेगा। ठीक है, देखिए भाई ऐसा है, हिंदी भोजपुरी और इंग्लिश का मिश्रण में आप लोगों को समझा रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। नवजुवक बैच ये ठीक है बाबा, तो मतलब शास्त्र का इतना लंबा बात सुनाए, ज्ञान तो जरूर दिए, बाकी तो अमल करने वाला आज के युग में तो कोई लोक नहीं रहा है कि उस बात को अमल करे। तो मान लीजिए हम इनसे पूछ रहे हैं कि ठीक है, रुकिए घबराइए जी, झगड़ा नहीं कीजिए, डिबेट यहाँ बढ़ रहा है, रुकिए सॉरी, देखिए एक लगले झगड़ा करने, तो इनसे हम पूछे कि बाबा इस अफूल में तो ये देखिए कुड़ुक जा रहे हैं, यही मतलब हमारी भोजपुरी भाषा में ये कुड़ुक जा रहे हैं, तो कुड़ुक जा रहे हैं, तो मान लीजिए इनसे हम पूछे कि बाबा देखिए हमारा नाता में बाबा लगते हैं, तो मान लीजिए तो हम पूछे कि बड़ी प्यारी वरी हमारे हैं, क्या ब्याह हुआ हुआ है, क्या ये पूछ रहे हैं कि क्या बड़ा प्यारी पहने, आपका शादी हो गया है, बड़ा है कपड़ा से तन को तो ढकना है ना, पहले के धोती कुर्ता पजामा पहनते थे ना, वही चीज़ हम भी पहने हैं, तो इसमें प्यारी वरी झाड़ने का शब्द क्या है, अब पढ़े लिखे होते तो कुछ बोलते ही नहीं, इसका कोई टी शर्ट और पैंट पहनने बोलते बोले कि क्या आप टी शर्ट पैंट पहने, ये तो कोई बात नहीं है, नहीं ये सुनिए ऐसा कुछ नहीं है, घर पे अगर कपड़ा है तो उसको आदमी पहन सकता है। इसी बात पर बाबा हमारे पर गर्म हो गए, भाई भला बताइए हमारा क्या गलती है, मान लीजिए हमारा भाषा है भोजपुरी, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, शुद्ध हिंदी भी बोलने नहीं आता है, तो भोजपुरी बोलते हैं, तो इसी में इसके पहले एक बाबा मिले थे वो भी भोजपुरी बोलते थे, तो मान लीजिए वो कुरुक जाते थे, तो यही कुरुक जाते थे, मान लीजिए यही भोजपुरी भाषा है, थोड़ा बाबा ठीक है, मान लीजिए अब तो हम लोग अपने अपने घरे चले, दूसरे माया में भी पड़ा जा, काहे कि भूख है भजन न हो ही गोपाला, आहाई ले लाए अपन कंठी माला। तो इसी वजह से देखिए हम हैं सामाजिक आदमी, शास्त्र वेद में रहते हैं, तो इसी तरह से लोग मिल जाते हैं, तो बच्चों को थोड़ा अपना हम अब ज्ञान दिए, उसमें बच्चे अब देखिए कहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों से अपील यही है कि शिक्षा दीक्षा के साथ साथ घर के जो सामाजिक कल्चर है उसमें भी थोड़ा सा हाथ बढ़ाएं, और जो उचित लगे और अनुचित लगे दोनों का भान करते हुए उसको अपने कल्चर में उतारने का कोशिश करें। हाँ, और साथ साथ शिक्षा ही उनका परम शास्त्र है, उस पर अमल होकर उसको हमेशा अपना एक मुआवजा समझे, चाहे 3x3 समझे, जो भी समझे, उनका आने वाला समय में शिक्षा ही सबसे बड़ा शस्त्र है। ये इतना बात पर बाबा कहे कि भाई ठीक है शिक्षा, तो एक कविता याद आ गई हमको, जरूर सुने, तो मान लीजिए कह रहे हैं कि तुमसे दो में से तुझे क्या चाहिए, कलम या की तलवार,
तो मान लीजिए ये कह रहे हैं कि राइफल, देखिए ये राइफल बोल रहे हैं, अरे आप बुद्धिजीवी होते, आप यदि बुद्धिजीवी होते तो मान लीजिए उसको आप भोजपुरी बोलिए, कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, देखिए इनका भाव देखिए क्या कर रहे हैं। हम तो इसी तरह से हम देखिए पढ़े लिखे नहीं हैं, बच्चों को अपना शिक्षा दे रहे हैं। आप पढ़े लिखे कम है लेकिन आपका ज्ञान बहुत ज्यादा है, जो कि हमारे समाज के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। संस्कृति ज्ञान आपका बहुत ज्यादा है। देखिए संस्कृत एक पढ़ाई है, आज के देश में लुप्त हो जा रही है। जी, सही बात। लुप्त हो जा रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मान लीजिए जो बच्चा संस्कृत नहीं जानेगा, उस शिष्टाचार भी नहीं जान पाएगा। सही बात, सही बात। देखिए देहाती भाषा में एक बोला जाता है कि कौवे से कबेले में चलांक। देहाती भाषा में क्या होता है? देहाती भाषा में वो कहा जाता है कि कौवे से कबेले में चलांक। तो कौवा एक था, वो कह रहा था अपने बच्चे के कि देखिए जौन बात कोई ढेला उठाए तो तुम उड़ जाना, कोई ढेला उठाए तो तुम उड़ जाना। तो कबेलवा कहता कि पहले ही ले ढेला उठा ले रही तब। तो बच्चा का जब तक बच्चे के आप देहात में घुमाकर सामाजिक ज्ञान उसको नहीं दीजिएगा, तब तक वो बच्चा का वो चीज नहीं आएगा। तो ये मतलब तो ये कह रहे हैं कि संस्कृत, देखिए आप कह रहे हैं कि संस्कृत लुप्त हो जा रही है, संस्कृत नहीं होगा। देहात थोड़ा सा उसको जानकारी खातिर बच्चों को देहात में घुमाना फिराना सामाजिक, जैसे में एक चौपाई मिली है बीच में कि बिना सत्संग विवेक न होई, बे सत्संग का बुद्धि आगे बच्चों को नहीं बढ़ेगा। हम यही कहेंगे गार्जियनों, थोड़ा हम देहात में हैं तो इस काम धंधा भी है हमारे जी में, तो आगे मिलते हैं तो फिर बच्चों से मिलेंगे तो एक आध फिर आप लोग को आगे हम मतलब बात करेंगे फिर उसके बाद। ठीक है बच्चों, आप लोग जाइए जहाँ भी रहिए, जब तक सूरज चांद रहे इंदिरा तेरा नाम रहे, तो जब तक आप लोग बच्चे हमारे भाषा को देहात में आप समझिए और वो भाषा को आप ग्रहण कीजिएगा तो ये अवश्य है कि आपको बिरथा न जाए देव ऋषि वाणी। आप एक बार बोल दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारा और वीडियो देखने के लिए, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।